नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वह है हुकवॉर्म संक्रमण या इन्फेक्शन, जिसे के एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनल भी कहा जाता है। यह अक्सर नंगे पांव चलने से होता है, खासकर उस क्षेत्र में जहां लोग खुले में शौच किया करते हैं। यह एक परजीवी संक्रमण या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि हमारी आंतों को प्रभावित करता है। यह हमारे शरीर में खून की कमी पैदा करता है। आइए अब जानते हैं हुकवॉर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। यह हमारी छोटी आंत में रहता है। वयस्क नर हुकवॉर्म मादा हुकवॉर्म से छोटा होता है। यह सिलेंड्रिकल आकार का होता है जिसका रंग भूरा या सफ़ेद होता है। इसके मुँह और पूंछ का भाग अलग अलग होता है। इसके लैंगिक अंग भी होते हैं। इसे वयस्क हुकवॉर्म हमारी छोटी आंत में 3 से 4 वर्ष तक जीवित रहता है। तो आइए अब बात करते हैं हुकवॉर्म का जीवन चक्र के बारे में। यह अंडा, लार्वा और वयस्क हुकवॉर्म के रूप में रहता है। अंडे से लार्वा, इसके अंडे गोलाकार तथा रंगहीन होते हैं। यह वयस्क व्यक्ति के शौच के साथ मिट्टी में प्रवेश कर जाते हैं। उन अंडों का विकास लार्वा के रूप में मिट्टी में होता है, किसी छायादार वृक्ष की मिट्टी में जहां अधिकतर नमी रहती है, वहीं इसका लार्वा मिट्टी में मौजूद रहता है। जब आदमी नंगे पैर टहलता या चलता है तो यह लार्वा उसके तलवे तथा उंगलियों के साथ चिपक जाता है और धीरे धीरे त्वचा के भीतर प्रवेश करता हुआ रक्त प्रवाह के साथ दिल और फेफड़ों के रास्ते श्वसन प्रणाली से आहार नली, फिर पेट और आंत में छोटी आंत तक पहुंच जाता है। वहां वह विकसित होकर नर तथा मादा हुकवॉर्म में बदल जाता है। आइए अब जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। एलर्जी के लक्षण: खुजलाहट, त्वचा पर चकत्ते, सांस फूलना, गंभीर अनीमिया या फिर त्वचा का पीला या सफ़ेद हो जाना, पेट में दर्द रहना। आइए अब आपको बताते हैं इसके निदान या फिर डायग्नोसिस के बारे में। मल परीक्षण करने पर उसमें हुकवॉर्म के अंडे या लार्वा मिल सकते हैं। कभी कभी रक्त में इजनोफिल भी बड़ा मिल सकता है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं इसके रोकथाम के उपाय के बारे में। इसके रोकथाम के लिए हमेशा घर में शौचालय में ही शौच जाएं, बाहर खुले में शौच ना जाएं, अगर जाना पड़े तो मिट्टी से अच्छी तरह से ढाक दें, नंगे पैर ना चलें, पैरों में हमेशा जूता या चप्पल पहनकर ही रखें। अगर बात करें इसके उपचार की तो उपचार में अल्बेंडाजोल या फिर मेबेंडाजोल की गोली 3 दिनों तक दें तथा दोबारा फिर मल परीक्षण करवाएं। उपचार चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करें। खून की कमी हो तो रक्तवर्धक औषधियाँ से या फिर अधिक गंभीर स्थिति में खून चढ़ाकर भी कर सकते हैं। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कभी खुद खून नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही खुद दवा देनी चाहिए, यह हमेशा चिकित्सक की सलाह से ही दें। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। खुले में शौच लोगों को जाने से रोकें, लोगों को नंगे पाँव नहीं बल्कि जूता चप्पल पहनकर चलने की सलाह दें। खून की कमी वाले मरीज को तुरंत चिकित्सक के पास भेजें और तुरंत उपचार करवाएं। इसके साथ ही हमारा यह विषय समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।